Assalamu alaikum dear students. I do hope that you people would be fine and really enjoying good health. I, Professor Muhammad Noman Faisal, welcome you people with yet another topic. And our today's topic is from first year English, and that is The Angel and the Author and Others. That is a lesson from first year English, and I do hope that you would enjoy it as you enjoyed the previous ones. So let us start. We will cover that lesson from these five perspectives. First of all, about author, then theme and summary, then vocabulary, then translation, and then yes, short questions. Okay, now let us come towards about author. Jerome K. Jerome was the author of this lesson. Jerome K. Jerome jo hai wo paida hue the 1859 mein on 2nd May, and he died on 14th June 1927. By nationality he was an English writer. Jab hum kehte hain English writer, it means wo Britain se belong karta hai, and was a humorist, means ye mazak nigari zyada karte the. Inke jo famous works hain unme se hum kisi teen ka tazkira kar rahe hain, The Three Men in a Boat, and then Idle Thoughts of an Idle Fellow, and then Three Men on the Bumble. These were three of his many endless works. Now let us come towards theme and summary of this lesson. Theme mein hum aaye to the story The Angel and the Author and Others is a humorous comment on man's double standards. Double standards se hamari murad ki jo munafiqat hai insaan ki, ki wo asal mein karta kuch hai, hota kuch hai, kehta kuch hai, to us double standard ke upar ek humorous, ek mazah nigari hai. Aur men count their good deeds and ignore the evil deeds. Jerome K. Jerome hume samjha raha hai कि हम अच्छे काम तो करते हैं. इस लेसन में भी जो राइटर है वो अपने अच्छे कामों का तज़किरा कर रहा है, लेकिन ही इज कम्प्लीटली इग्नोरिंग हिज इवल डीड्स. एंड देन मैन डू नोबल डीड्स ओनली टू शो ऑफ देमसेल्फ. मतलब कोई नेकी भी करते हैं तो दिखावा करते हैं, किसी गरीब की झोली में एक सिक्का भी डालते हैं तो एक तस्वीर बना लेते हैं और शो ऑफ करते हैं कि हमने कोई नेकी की थी. तो हमें इससे एक और चीज़ भी पता लगती है कि नेकियाँ जो हैं अगर दिखावा करके की जाएँ, और वैसे भी हमें रिलीजन भी सिखाता है कि जो दिखावे से नेकियां की जाती हैं उन नेकियों का कोई सवाब नहीं मिलता. इवेंट्स पे आते हैं इसके समरी पे. तो राइटर ड्रीम्स दैट ही इज डेड, ख्वाब देखता है कि वो मर चुका है, अपने ख्वाब में असल में वो मरा है, रियल में नहीं. तो इन द ड्रीम ही फील्स दैट ही इज गोइंग अप एंड अप. ख्वाब में वो देखता है कि वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, फरिश्ता उसकी रूह कैप्चर करके लेके जा रहा है. ऑन द वे टू हेवन ही कम्स अक्रॉस द रिकॉर्डिंग एंजल. तो रिकॉर्डिंग एंजल कातिब फरिश्ते से जो हमारे अमाल लिखता है जी, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है रास्ते में. तो द राइटर रिकॉल्स ईच एंड एवरी गुड डीड दैट ही हैड डन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सारी वो अपने अमाल याद करता है और वो फरिश्ते को सुनाता है अपने सारे वो अमाल. ही आस्क द रिकॉर्डिंग एंजल इफ ही हैज रिकॉर्डेड हिज एवरी वर्चुअस डीड. वो के वो पूछता है बार बार, क्या तुमने मेरी ये नेकी लिख ली, मेरी वो नेकी लिख ली, एक एक नेकी उसे याद करवाने की कोशिश करता है. तो द एंजल रिप्लाई दैट ही हैज नॉट स्पेयर्ड इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ द ऑथर. वो उसको बताता है, यकीन भी दिलाता है कि भाई मैंने आपकी सारी नेकियां लिखी हैं, लेकिन टिल द लास्ट लाइन ऑफ दिस लेसन हम ये देखते हैं द ऑथर फील्स एज इफ ही इज पेड बाय द एंजल. वो फील कर रहा है कि इफ समथिंग इज पेड बाय द एंजल, कि एंजल ने कोई ना कोई चीज़ छोड़ दी या कोई ना कोई चीज़ लिखना भूल गया. तो हमें एक चीज़ और जेरोम के जेरोम का स्टाइल नजर आया कि वो अपनी ज़ात को, ऑथर अपनी ज़ात को सेंटर बनाकर हम सबको एक तरह से तनकीद का निशाना बना रहा है, और हमें ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो नेकियां हमने शो ऑफ करने को की होती हैं उन नेकियों का हम वावेला तो बहुत बचाती हैं, लेकिन बेसिकली वो नेकियां नहीं होती. और एक तरह से वो हम पर हंसता है क्योंकि जो उसने नेकियां इस लेसन में हमें बताई हैं वो दिखने में तो शायद नेकी है, लेकिन अगर हम उसको डीप एनालिसिस करेंगे अभी लेसन पढ़ते हुए तो असल में वो कोई नेकी नहीं है. तो आते हैं इसकी वोकैबुलरी पे, डिफिकल्ट वर्ड्स पे. हम वोकैबुलरी आइटम इसलिए पहले देख रहे हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन पढ़ते हुए आसानी हो. तो लफ्ज़ अलार्म्ड आएगा जिसका मीनिंग परेशान है, वरीड अपसेट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, बल्कि ज़रा भारी भार जो है, हैवी बिग लार्ज के सिनोनिम्स आ सकते हैं, सेलेब्रिटीज़ जैसे आप सुनते रहते हैं टीवी सेलेब्रिटीज़ होती हैं, तो मशहूर शख्सियात फेमस पर्सनस को कहते हैं, चैट गपशप करना, बातचीत टॉक सिनोनिम्स जा सकता है, कॉन्शियसनेस मेहनत व दयानतदारी को कहते हैं, ये उस मेहनत को कहते हैं जो बड़ी दयानतदारी और एहतियात से की जाए, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं जी. ऑनेस्टी डिलीजेंस के, डिलीजेंस सबसे अच्छा वर्ड सिनोनिम इसके लिए. डीड्स अमाल हैं, एक्शंस
एक्ट्स इंटायरली मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से टोटेलिटी सिनेमा हो सकता है, फेंट, धीमा, मध्यम, डिम और पेल इसके सिनेम्स हो सकते हैं जी। फोर्ट नाइट 15 दिन को कहते हैं, 2 हफ्ता कंप्लीट गुजर के जो आधा महीना बनता है आगे वो पंद्रवाड़े को हम जो 15वां दिन आता है वो फोर्ट नाइट होता है। तो 2 वीक्स आप इसका अप्रॉक्सीमेटली सिनेम दे सकते हैं। गरम्बल बुड़बड़ाना मुँह मुँह में, जो लोग बुड़बड़ाते हैं कि जी मैंने नहीं किया था लाइक दैट, तो वो उनको ग्रम्बल करना कहते हैं। कंप्लेन ऑफ मर्मर एट मटर एट इसके सिनेम्स हो सकते हैं जी। नेक्स्ट आते हैं जी जॉटिंग। जॉटिंग डाउन लिखा हुआ है इस लेसन में, तो राइटिंग डाउन, तेज तेज लिखना क्विकली। लुमिनोसिटी, लुमिना या लुम जब आ जाए तो रोशनी का मीनिंग देता है जी, तो लाइट, ब्राइटनेस, रोशनी का मीनिंग। मॉन्स्टर शो, जिन मेला, ये वो शोज होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डिपिक्ट किया जाता है। ह्यूज शो, बिग शो भी आप लिख सकते हैं, बेसिकली सुपर नेचुरल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो माउंट अप, बढ़ना, इंक्रीज करना, इंक्रीज ग्रो। रैफल का टिकट खरीदता है इस लेसन में नजर आएंगे, लॉटरी होता है जिसमें इनाम निकलता है, एट देन आप टिकट खरीदते हैं। रमेज सेल होती है जी, चंदे में ली गई अशिया की फरोख्त, वो चीज़ें जो सेकेंड हैंड ली जाती हैं फॉर दी पर्पज के उनको सेल करके चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उनको हम रमेज सेल कहते हैं। और सेंटीमेंट्स, जज्बात, एहसास, फीलिंग, इमोशन। शॉवलिंग, शॉवल आपको पता है बड़े चम्मच को कहते हैं, तो शॉवल एज अ वर्ब जब यूज़ किया जाता है, शॉवलिंग तो बड़ा चम्मच भर भर के देना, स्कूपिंग करना, स्कूप भी आपको पता है चम्मच को कहते हैं। साइट, स्लाइट सॉरी, हल्का सा, थोड़ा सा, स्मॉल। सब्सक्रिप्शन, चंदा होता है, डोनेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। थ्रॉबिंग जो होता है, धड़कता हुआ दिल होता है जी, थ्रॉब, बीटिंग, थम्पिंग। टू अ मैन मीन्स सारे के सारे, एक एक आदमी, टू अ मैन सारे के सारे, विदाउट एक्सेप्शन मतलब बिना किसी के सारे छोड़े। तो वैक्सिंग, परेशान कुन, पजलिंग, डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग का सिनोनिम। वॉल्यूम, यहाँ किताब का मीनिंग, वैसे तो हजम और साइज का भी होता है, इस लेसन में किताब का मीनिंग है बुक एडिशन। वेरी, थके हुए, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। यर्न, ख्वाहिश करना, लॉन्ग फॉर। वर्चू, फजीलत, खूबी, ये नेकी को भी कहते हैं, गुडनेस, रॉचसनेस। टायरिंग, थकाने वाली चीज़ जो होती है, जैसे हम टायर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, डिफिकल्टी, टायरसम। सेंसेशन, एहसास, फीलिंग का मीनिंग है जी, और ऑल टुगेदर मजमुई तौर पर, मुकम्मल तौर पर, इन टोटल का मीनिंग हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी, क्यूरेट्स का वर्ड है, ये पादरी होते हैं, छोटे दर्जे के पादरी, प्रीस्ट असिस्टेंट होता है। और नेक्स्ट सेलिब्रिटी, मशहूर या फेमस एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लिए यूज़ करते हैं हम, या कोई क्रिकेटर भी हो सकते हैं, कोई भी जो कि बिग फेमस पर्सनैलिटी आ जाए वो होते हैं। आते हैं जी इसकी सबसे मेन आइटम्स पे हमारे जो लेसन्स की होती है, दैट इज़ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो फोकस कीजिएगा क्योंकि ये सबसे अहम है, और ट्रांसलेशन से ना सिर्फ आपको जो आपके एग्जाम्स में इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है उसमें हेल्प मिलेगी, बल्कि आपको सरनेम्स और MCQs और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत सारा जो है वो आइडियाज़ और क्लैरिटी जो है वो ट्रांसलेशन से ही मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना लेसन इधर। तो आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट, कि एक रात मुझे एक वैक्सिंग होता है जी, परेशान कुन बात, नॉट लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबा अरसे पहले की बात नहीं, अब देखें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ये कोई क्रिसमस के 15 दिनों के बाद की बात है। तो इट वॉज अबाउट अ फोर्ट नाइट आफ्टर क्रिसमस, ये क्रिसमस के तकरीबन 15 दिनों की बात है। आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम, देखो बाद में आया कि मैंने एक मुझे परेशान एक रात मुझे एक परेशान कुन ख्वाब आया। बाम हावरा करते हैं, आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट, एक रात मुझे एक परेशान कुन ख्वाब आया, नॉट लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबा अरसा पहले की बात नहीं है। इट वॉज अबाउट अ फोर्ट नाइट आफ्टर क्रिसमस, ये क्रिसमस के तकरीबन 15 दिन बाद की बात है। आई ड्रीम्ड आई फ्लू आउट ऑफ द विंडो इन माई नाइट शर्ट, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खिड़की से बाहर उड़ गया। आई फ्लू आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर उड़ गया, इन माई नाइट शर्ट, मैं अपनी शब ख्वाबी के लिबास में, मैंने ख्वाब देखा कि मैं खिड़की से बाहर उड़ गया। तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं शब ख्वाबी के लिबास में खिड़की से बाहर उड़ता हुआ निकला या उड़ गया, दोनों में से जो भी लगाएंगे ठीक है। आई वेंट अप एंड अप, मैं ऊपर से ऊपर जाता गया, मतलब हवा की तरफ ऊपर उड़ रहा था। आई वॉज ग्लैड दैट आई वॉज गोइंग अप, मैं खुश था कि मैं ऊपर को जा रहा था, मतलब पहले तो उसको एंजॉय कर रहा था कि लो जी उड़ रहे, मजा आ रहा है, तो देखते मैं खुश था कि मैं ऊपर जा रहा था। पहले मैं ट्रांसलेशन यहाँ खुद अपनी कर रहा हूँ और देन मैं ट्रांसलेशन आपको यहाँ उर्दू में जो लिखी हुई है उसको भी दिखा रहा हूँ, लेकिन एक पता है आपको कि आप ट्रांसलेशन जो है वो
उर्दू की मुख्तलिफ पेराई में कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट से भी 10 हेल्पिंग बुक लें तो 10 में भी आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन का फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन मेन जो हमारा मीनिंग है वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, दे हैव बीन नोटिसिंग मी, वो मुझे नोटिस करते रहे होंगे, मतलब मुझे देखते रहे होंगे, वो मुझे देख रहे होंगे, देखते रहे होंगे लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने ही आप में, मतलब अपनी ही जात में सोचा, इफ एनी थिंग, आया कुछ भी हो, आई हैव बीन अ बिट टू गुड, हैव बीन मतलब रहा हूँ, अ बिट टू गुड कुछ ज्यादा ही नेक, आया कुछ भी हो, मैं कुछ ज्यादा ही नेक रहा हूँ या रहा था, तो कुछ भी हो मैं कुछ ज्यादा ही नेक बन गया था, बल्कि ये ज्यादा अच्छा ज्ञान लगाया जाए, मैं कुछ ज्यादा ही नेक रहा हूँ बन गया था की जगह पे ज्यादा अच्छा रहेगा। अ लिटल लेस वर्च्यू, थोड़ी सी कम नेकी कर लेता, वही गुडनेस का सिनोनिम। आई हैव एंड आई माइट हैव लिव्ड लॉन्गर, तो शायद मैं ज्यादा अरसा जी लेता। बड़ी मजे की और फनी सी बात की उसने असल में यहाँ, कि देखिए वो कह रहा है कि नेकी जरा सी कम की होती तो ज्यादा देर रह सकता था, ज्यादा देर जिंदा जी सकता था। क्यों कह रहा है रीजन, कि असल में वो ये बताना चाह रहा है कि मैं अल्लाह को प्यारा था इसलिए अल्लाह को जल्दी प्यारा हो गया, तो थोड़ी सी कम नेकी करता तो ज्यादा देर जिंदा रह सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, बट वन कैन नॉट हैव एवरीथिंग, लेकिन हर शख्स को हर चीज नहीं मिलती, लेकिन हर इंसान को हर शय नहीं मिलती। द लास्ट आई सॉ ऑफ लंडन, जो मैंने लंदन की आखिरी चीज देखी लंदन की, वाज द लॉन्ग लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, वो इलेक्ट्रिक लैंप्स बरकी कुमकुमे, जिनको हम बिजली के बल्ब कहते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स, वो बिजली के कुमकुमों की या बरकी कुमकुमों की एक लंबी तवील कतार थी, बॉर्डरिंग द एम्बैंकमेंट, जो कि दरिया के किनारे के साथ साथ लगी हुई थी। बाम हावरा देखते हैं कि लंदन की आखिरी झलक जो मुझे याद है, ऐसा जो मैंने देखी, बल्कि ज्यादा अच्छा वर्ड है, वो दरिया के किनारे के साथ साथ बरकी कुमकुमों की एक लंबी कतार थी। लेटर नथिंग रिमेन्ड, लेकिन बाद में कुछ बाकी ना रहा, बट अ फेंट, फेंट होता है जी डिम, बड़ी मध्यम सी लुमिनोसिटी, ब्राइटनेस, बरीड बनीथ डार्कनेस, बाद में तारीकी के नीचे दफन हल्की सी रोशनी के अलावा कुछ भी बाकी ना रहा। तो बाद में कुछ नजर ना आया, कुछ बाकी ना रहा, ज्यादा अच्छा है, स्वयं अंधेरे में डूबी हुई एक मध्यम सी रोशनी के, बल्कि चूंकि बरिड बनी डार्कनेस है तो अंधेरे के नीचे दफन, डूबी हुई भी ठीक है, दफन भी ठीक है, एक मध्यम सी रोशनी के कुछ बाकी ना रहा या कुछ नजर ना आया। इट वॉज एट दिस पॉइंट ऑफ माई जर्नी, ये मेरे सफर का वो मरहला था, दैट आई हर्ड बिहाइंड मी द स्लो थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स। थ्रॉबिंग होता है जी किसी चीज के फुरफड़ाने की, धड़कने की, धक धक करने की, बीटिंग का सिनोनिम लिखा जा लिया जा सकता है। तो ये मेरे सफर का वो मरहला था जब मैंने अपने पीछे, बिहाइंड मी, अपने पीछे विंग्स की, पड़ों के फड़फड़ाने की एक हल्की सी आवाज सुनी। स्लो थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, पड़ों के फड़फड़ाने की एक हल्की सी आवाज या मध्यम सी आवाज मुझे सुनाई दी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आई टर्न्ड माई हेड, मैंने अपना सर पलटा कर देखा, इट वॉज द रिकॉर्डिंग एंजल। रिकॉर्डिंग एंजल मीन्स कातिब फरिश्ता, हिसाब किताब लिखने वाला फरिश्ता कह लें या कातिब फरिश्ता कह लें, दोनों ठीक है। आई हैड अ वेरी लुक, ही हैड अ वेरी लुक, वो थका हुआ दिखाई देता था, इसके चेहरे पर नकाहत थी, लिख लें। आई जज्ड हिम टू बी टायर्ड, मैंने अंदाजा लगाया, जज किया, अंदाजा लगाया कि वो थका हुआ था, था ज्यादा अच्छा है। यस ही एक्नॉलेज, फरिश्ते को इसका देखें, क्योंकि फरिश्ते बात समझ आते हैं, उसने कहा भी नहीं उसको समझ आ गया है, तो फरिश्ते ने कहा यस ही एक्नॉलेज, एक्नॉलेज एडमिटेड, तस्लीम किया, हाँ उसने तस्लीम किया। इट इज़ अ ट्राइंग पीरियड फॉर मी योर क्रिसमस टाइम, आप लोगों का ये क्रिसमस का वक्त मेरे लिए बड़ा ट्राइंग पीरियड है, बड़ा आजमाइश का वाला वक्त होता है, या कह लें बड़ा जिद्दोजहद वाला वक्त होता है, क्योंकि ये क्रिसमस के हम देख रहे हैं 15 दिन बाद की बात थी। तो इट मीन्स जैसे अगर आ जाएं तो इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमान जो है वो बहुत नेकियां करते हैं, जहाँ जहाँ भी बसते हैं नेकियां करते हैं, और कुछ ऐसा पहले ही जो है वो नेकियां शुरू कर देते हैं। इसी तरह ही जो क्रिश्चियन ब्रादरी है वो भी क्रिसमस के राउंड अबाउट आकर नेकियां ज़्यादा कर देते हैं, तो इसलिए फरिश्तों को सहारे उन दिनों नेकियां लिखनी भी ऐसे ज़्यादा पड़ती हैं। तो वैसे भी ये फिक्शन है, तो यहाँ फरिश्ते से कन्वर्सेशन वैसे तो आपको तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं। तो फरिश्ता कहता है कि इट इज़ अ ट्राइंग पीरियड फॉर मी योर क्रिसमस वक्त टाइम, आप लोगों का ये क्रिसमस का वक्त मेरे लिए बड़ा आजमाइश का होता है। आई एम श्योर इट मस्ट बी, आई रिटर्न्ड, रिटर्न्ड जवाब दिया, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। द वंडर टू मी इज हाउ यू गेट थ्रू
इट ऑल, गेट थ्रू होता है फिनिश कंप्लीट, गो थ्रू का मीनिंग. मुझे हैरानी इस बात की है, ये मेरे लिए हैरानी की बात ये है कि आप ये सब काम कैसे कर लेते हैं, हाउ यू गेट थ्रू इट ऑल, ये सारे काम कैसे कर लेते हैं. यू सी एट क्रिसमस टाइम, तुम देखो क्रिसमस के वक्त पर, आई वेंट ऑन कॉन्टिन्यूड, मैंने बात जारी रखी. ऑल वी मैन एंड वीमेन बिकम जेनरस क्वाइट सडनली, हम तमाम मर्दों खवातीन अचानक से फराख दिल हो जाते हैं. इट इज़ रियली अ डिलाइटफुल सेंसेशन, सेंसेशन फीलिंग का मीनिंग है जी, ये वाकई एक डिलाइटफुल, डिलाइटफुल प्लेजेंट, तो ये वाकई एक बड़ा खुशगवार, एक पुरमसरत, एक खुशी वाला एहसास होता है. इट इज द फर्स्ट क्रिसमस नंबर, नेक्स्ट पैरे पे हम आ चुके हैं. नंबर का यहाँ मीनिंग जो है वो मैगजीन का है, जो पहला क्रिसमस का शुमारा, मतलब पहला क्रिसमस का जो मैगजीन आता है, जो एडिशन आता है, EDITIUN, आप सिनेम लिख सकते हैं. तो ये क्रिसमस का पहला ही शुमारा होता है, दैट स्टार्ट्स मी ऑफ, जिसने मुझे स्टार्ट कर दिया, जो मुझे जिसने मुझे मुतहर्रक कर दिया है. मतलब वो कहता है जो क्रिसमस के बारे में पहला ही मैगजीन आता है, जिसमें वो लोग जो क्रिसमस की आमद पर नेकियां कर रहे होते हैं, उन तस्वीरों को, शुमारे को देखकर, तो वो कहता है कि वो मुझे स्टार्ट कर देता है, मोटिवेट, मुझे मुतहर्रक कर देता है. यहाँ हैरान करके रख दिए, मुतहर्रक ज़्यादा अच्छा है कि जो मुझे मोटिवेट करता है. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दोज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, वो खूबसूरत तस्वीर, द स्वीट चाइल्ड लुकिंग सो प्रिटी इन हर फर्स, फर आपको पता है समूर का लिबास होता है, जो ऊनी टाइप का होता है, उसके ऊपर हेयर लाइक होता है, तो आप फर को फर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, समूर भी लिख सकते हैं. तो वो प्यारी बच्ची जो अपने समूर या फर के लिबास में बहुत खूबसूरत लगती है, स्वीट चाइल्ड लुकिंग सो प्रिटी प्रिटी ब्यूटीफुल, गिविंग बोवरिल विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स. बोवरिल जो होता है जी, बेसिकली यखनी होती है, तो जो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे हाथों से यखनी दे रही है टू द शिवरिंग स्ट्रीटर, शिवरिंग कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग, जो ज़रा सर्दी से कांप रहा होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, सर्दी से कांपते हुए अरब स्ट्रीट अरब बेघर शख्स को, बेघर लोगों को, वो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे हाथों से बोबरिल यखनी बांट रही है. ये एक तस्वीर डिस्क्राइब की गई है, जिसको वो अखबार में देख रहा है और उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, लड़की की है. बाम हवरा दोबारा कर देता हूँ, वो छोटी प्यारी सी बच्ची जो अपने फर के या कहले समूर के लिबास में बड़ी प्यारी लगती है, अपने प्यारे प्यारे छोटे हाथों से बेघर शख्स को यखनी बांटते हुए. नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है जी, द गुड ओल्ड रेड फेस्ड स्क्वायर. जो स्क्वायर होता है जी, ये जिमीदार जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, नवाब टाइप के लोग जिनके पास काफ़ी ज़मीनें होती हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं. तो नेक दिल, गुड नेक दिल, बूढ़ा सुर्ख चेहरे वाला जो नवाब है या ज़मींदार है, शोवलिंग आउट, शोवलिंग आपने सुने बड़ा था, स्कूपिंग आउट, चम्मच बड़ा भर भर के देते हुए, प्लम पुडिंग, आलू बुखारे को प्लम कहते हैं, तो आलू बुखारे की खीर कह ले, आलू बुखारे की चटनी कह ले, पुडिंग को पुडिंग भी लिख सकते हैं उर्दू में, बांट रहे टू द क्राउड ऑफ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल थैंकफुल विलजर्स, मशकूर धातियों के हजूम को. बहा मुहावरा करते हैं, तो नेक दिल बूढ़ा सुर्ख चेहरे वाला नवाब मशकूर देहातियों के हजूम को आलू बुखारे की चटनी के बड़े चम्मच भर भर के देता हुआ. इट मेक्स मी यर्न, यर्न डिजायर टू बारो अ कलेक्टिंग बॉक्स. इससे मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं चंदा मांगने वाला डब्बा उधार लूं एंड गो राउंड डूइंग गुड मायसेल्फ, और खुद नेकियां करता फिरूं, और खुद नेकी, मतलब देखें यहां एक तंज हमें नजर फील यहीं से हो गया, खुद नहीं नेकी करनी, चंदे वाला डब्बा लेकर, वो भी उधार ले रहा है, बारो अ कलेक्टिंग बॉक्स, और खुद नेकियां करने निकल पड़ू, नेकियां करता फिरूं, इट मीन्स वो लोगों से नेकियां कर लेना चाह रहा है, पैसे इकट्ठा करना चाह रहा है जी. तो नेक्स्ट आते हैं, इट इज नॉट ओनली मी आई शुड से, आई कॉन्टिन्यूड. तो ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, मैं कहूँगा, आई कॉन्टिन्यूड, मैंने बात जारी रखी. आई डोंट वॉन्ट यू टू रन अवे विद द आइडिया दैट आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, गुड मैन इन द वर्ल्ड. वो कहता है आई डोंट वॉन्ट यू टू रन अवे विद द आइडिया, मैं नहीं चाहता तुम ये ख्याल लेकर आगे बढ़ो, यही बात पल्ले बांध कर आगे बढ़ो, दैट आई एम द ओनली गुड मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं ही वहाँ दुनिया में कोई नेक शख्स हूँ. दैट इज़ वट आई लाइक अबाउट क्रिसमस, यही मुझे क्रिसमस के बारे में बात पसंद है. इट मेक्स एवरी बॉडी गुड, ये हर एक को नेक बना देते हैं, मतलब क्रिसमस पर हर शख्स ही नेक बन जाता है. द लवली सेंटीमेंट्स फीलिंग्स वी गो अबाउट रिपीटिंग, वो खूबसूरत जज्बात जो कि हम बार बार दोहराते रहते हैं, मतलब वो
जो नेक अमाल उस पर जज्बात की वजह से हम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो हम बार बार दोहराते हैं, द नोबल डीड्स वी डू फ्रॉम अ लिटिल बिफोर क्रिसमस, वो नोबल डीड जो कि हम क्रिसमस से कुछ अरसा पहले करते हैं, से अप टू से द एंड ऑफ जनवरी, जो कि तकरीबन जनवरी के अख्ताम तक करते रहते हैं, वाई नोटिंग देम डाउन मस्ट बी अ कम्फर्ट टू यू, तो उन्हें नोट करना तुम्हारे लिए बड़ा कम्फर्ट, बड़ा प्लेजेंट, बड़ा बाइस से राहत होगा। तो फरिश्ता आगे से जवाब देता है, येस ही एडमिटेड, हाँ उसने तस्लीम किया, नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय टू मी, कि जो नेक काम होते हैं वो हमेशा मेरे लिए खुशी का बाइस होते हैं, दे आर टू ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए होते हैं, इसे मैंने कहा, आई लव टू थिंक ऑफ ऑल द गुड डीड्स आई माई सेल्फ हैव डन, तो मुझे उन सब नेक कामों के बारे में वो कहता है याद करना, आई लव टू थिंक ऑफ ऑल द गुड डीड्स, मुझे अच्छा लगता है उन सब नेक कामों को याद करना, सोचना, आई माई सेल्फ हैव डन, जो कि मैंने खुद किए हैं, आई हैव थॉट ऑफ कीपिंग अ डायरी, मैं अक्सर सोचता हूँ, आई हैव ऑफन थॉट, मैं अक्सर सोचता हूँ, सोचा है कि मैं एक डायरी रखूँ, जोटिंग देम डाउन, जोट डाउन नोट करना होता है जी, नोटिंग डाउन ईच डे, तो वो कहता है कि और रोजाना इनको लिखता फिरूँ, इट वुड बी सो नाइस फॉर वंस चिल्ड्रन, ये आपके बच्चों के लिए सो नाइस, बहुत ही अच्छा होगा, ही अग्रीड देयर वॉज एन आइडिया इन दिस, उसने इत्तफाक किया कि वाकई इसमें एक बात है, या यूँ कह लें कि उसने इत्तफाक किया कि इसमें वाकई एक बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात है, तो चूंकि लफ्ज़ उम्दा के लिए इंग्लिश में यहाँ कोई वर्ड नहीं है, तो अब लफ्ज़ उम्दा या बहुत अच्छी बात है उसमें बात है तो ठीक है, लिखा हुआ है आइडिया ख्याल है, लफ्ज़ ख्याल है भी लिख सकते हैं, वो उम्दा या बहुत अच्छी आप इस बात के साथ ब्रैकेट में लिख दें, तो ब्रैकेट लगा के बहुत उम्दा, ब्रैकेट ख़त्म करके आगे बात है, ऐसा भी किया जा सकता है ताकि मफहूम क्लियर किया जा सके। द बुक ऑफ यूर्स आई सेड, तुम्हारी किताब मैंने कहा, आई सपोज नाउ इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस दैट वी मैन एंड वीमेन हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ्स, तो तुम्हारी ये किताब मैंने कहा, गौर कीजिएगा आई सेड के दोनों तरफ कॉमा, इसका मतलब ये एक कॉन्टिन्यूइंग जो है वो क्लॉज बन रही है, दैट बुक ऑफ यूर्स अगली क्लॉज के साथ मिला हुआ है, कि मेरा ख्याल है इसमें वो सारी नेक अमाल दर्ज है, कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस, इसमें सारे वो नेक अमाल दर्ज हैं जो हम मर्दों ख्वातीन ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ्स हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ्स, जो हम मर्दों ख्वातीन पिछले छः माह से कर रहे हैं, इट वॉज अ बल्की लुकिंग वॉल्यूम, बल्की हैवी भारी, ये एक भारी भर दिखाई देने वाली किताब थी, या भारी भर दिखाई देने वाला एक वॉल्यूम था, तो येस ही आंसर्ड, हाँ उसने जवाब दिया, दे वर ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक, वो सारे इस किताब में दर्ज हैं या दर्ज कर लिए गए थे, द ऑथर टेल्स ऑफ हिज गुड डीड्स, जो ऑथर है मुसन्नफ अपने नेक कामों के बारे में बताता है, इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम देन एनी थिंग एल्स दैट आई केप्ट अप विद हिम, इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम, मतलब ये उसकी खातिर था या उसकी के लिए था, देन एनी थिंग एल्स, किसी भी और चीज़ की नस्बत, किसी भी और शय की नस्बत, डेट आई केप्ट अप विद हिम, कि मैंने उससे गुफ्तगू जारी रखी, मतलब कहना ये चाह रहा है कि किसी भी और चीज़ की बजाय ये उससे बातें करना था ताकि वो बोर ना हो जाए, अगर मैं मफहूम समझाऊँ, कि इसलिए मैंने उससे गुफ्तगू जारी रखी, तो मैं इधर देख लेते हैं बा मुहावरा, मैंने उससे जो बातचीत का सिलसिला जारी रखा इसमें किसी भी और शय की नस्बत, खुद उसकी बातों का सुनना ज़्यादा मकसूद था, या आप कह लें उसके बारे में बातें करना ज़्यादा मकसूद था, I did not really doubt his care and conscientiousness. मुझे उसकी एहतियात और conscientiousness कह लें दयानतदारी लगन लगन सबसे अच्छा वर्ड है पर कोई शक ना था but it is always pleasant to chat about oneself. लेकिन अपने बारे में गुफ्तगू करना हमेशा pleasant लगता है अपने बारे में गुफ्तगू करना हमेशा अच्छा लगता है तो आगे फिर वो बात कर रहा है my 5 shillings subscription वो अपनी पहली नेकी बयान करने जा रहा है शिलिंग्स करेंसी है जी तो सब्सक्रिप्शन डोनेशन टू द डेली टेलीग्राफ 6 penny fund डेली टेलीग्राफ अखबार का नाम है 6 penny fund उस डेली टेलीग्राफ का एक फंड हुआ करता था फॉर द अनएम्प्लॉयड बेरोजगारों के लिए तो मेरा 5 shilling का चंदा डेली टेलीग्राफ के 6 penny fund में जो बेरोजगारों के लिए था गॉट दैट डाउन ऑल राइट मतलब सही सही क्या वो सही सही लिख लिया गया था आई आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा तो मेरा 5 shilling का चंदा आपने सही तरीके से लिख लिया था
जो मैंने बेरोजगारों के लिए डेली टेलीग्राफ सिक्स पैनी फंड में दिया था, सिक्स पैनी को आप सिक्स पैनी ही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में देखें तो आपको इसका सिक्स का पैनी का सिक्स एस और फंड का एफ कैपिटल नजर आ रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही लेकर जाएंगे। यस ही रिप्लाइड इट वॉज एंटर्ड, हाँ जी हाँ उसने जवाब दिया इसका इंदराज हो गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, अब मेरे जहन में इस बारे में सोच आई, आई एडिड, मैंने मजीद कहा, इट वॉज 10 शिलिंग्स ऑल टूगेदर, कि ये कुल मिला के 10 शिलिंग बनते थे। दे स्पेल्ट माई नेम रॉन्ग द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा उन्होंने मेरे नाम के स्पेलिंग्स, मेरे नाम के हिजे गलत लिख लिए थे। तो यहाँ गौर करें, हमें एक आयरनी, एक छुपा हुआ तंस नजर आ रहा है कि जो वो नेकी उसने की है, जो उसने फंड दिया था बेरोजगारों के लिए, उसमें नेकी नहीं थी, वो शो ऑफ था। वो शो ऑफ कैसे था? देखो, वो अपने नाम अखबार में छुपवाना चाहता था कि मैं फंड में पैसे दूंगा तो मेरा नाम छपा आएगा, इसलिए तो उसने 10 शिलिंग चंदा कर दिया टोटल के, 5 शिलिंग फिर दोबारा दिया। और क्यों दिया? क्योंकि पहली मरतबा उन्होंने नाम के स्पेलिंग गलत लिख लिए थे, तो नाम के स्पेलिंग सही लिखवाने के लिए। जैसे लोग किसी मस्जिद या मदरसे में कोई चंदा देते हैं, तो द बेसिक पर्पज देयर के लॉजी स्पीकर पर कईयों का मकसद होता है ऐलान हो जाए, नाम आ जाए कि जनाब चौधरी फलां साहब ने माशाल्लाह जजाकल्ला ये चंदा दिया है। तो यहाँ भी हमें वो तंज नजर आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोथ सब्सक्रिप्शंस हैड बीन एंटर्ड, दोनों चंदे लिख लिए गए थे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। देन आई हैव बीन टू 4 चैरिटी डिनर्स, फिर मैं 4 खैराती डिनर्स में भी गया था, 4 खिलाती खानों में भी गया था। आई रिमाइंडेड हिम, मैंने उसे याद दिलाया। आई फॉरगेट व्हाट द पर्टिकुलर चैरिटी वाज अबाउट, मैं भूल गया कि वो पर्टिकुलर चैरिटी, वो मखसूस खैरात किस लिए थी। आई नो आई सफर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, मुझे मालूम है कि अगले सुबह मैं काफ़ी तकलीफ में था, या मुझे उसका काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ा, या मुझे काफ़ी तकलीफ थी। अब गौर करें, जो अगली नेकी वो बयान कर रहा है, वो 4 खैराती खानों में जाने की बात कर रहा है। खैराती खाने होते हैं जी कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला लिया जाता है, और चैरिटी के लिए लोगों को भी कहा जाता है कि आप भी आए और उस चैरिटी डिनर में उस सेलिब्रिटी से मिलने का टिकट रख लिया जाता है, मतलब 1000 रुपीज़ रख लिया। फ़र्ज़ करो 1000 लोग अगर आ जाते हैं तो 10 लाख तक चंदा इकट्ठा हो सकता है। तो वो कह रहा है कि वो 4 खैराती खानों में गया, लेकिन अगली सुबह वो बड़ी तकलीफ़ में था। क्यों? क्योंकि उसने खाना ही इतना खाया होगा कि अगली सुबह तकलीफ में होगा। तो गौर करें, नेकी तो फिर उसने असल में खा भी के ज़ाया कर ली। तो ही इंटरप्टेड मी विद द एश्योरेंस, उसने मुझे ये यकीन दहानी दिलाकर मेरी बात काटी। इंटरप्टेड इंटरफेयर्ड होता है, मुदाखलत की। दैट माई अटेंडेंस हैड बीन नोटेड, कि मेरी मौजूदगी लिख ली गई थी। लास्ट वीक आई सेंट 12 फोटोग्राफ्स ऑफ माई सेल्फ साइंड टू अ चैरिटी बाजार, तो पिछले हफ्ते मैंने अपनी दर्जन भर दस्तखत शुदा तस्वीरें खैराती बाजार को भेजी थी। तो गौर करें, यहाँ उसने अपनी तीसरी नेकी का जिक्र किया, लेकिन गौर करें कैसी नेकी है, कि ये राइटर जो था वो अपने आप को यहाँ एक कॉमन मैन के तौर पर ट्रीट कर रहा है। अरे कॉमन मैन, जैसे आप या मैं कोई अपनी तस्वीरें लेकर किसी चैरिटी बाजार में दस्तखत करके भेज दूँ, तो ऐसा तो नहीं है। अब फुटबॉलर मैसी अपनी तस्वीरें भेजे साइन करके, तो समझ आता है कि लोग उसको खरीदेंगे। रॉजर फेडरर जो है वो अपनी भेजे, तो समझ आता है कि लोग खरीदेंगे उस तस्वीर को, साइंड को, बड़ी महंगी बिकेगी। तो यहाँ भी फजूल है दस्तखत साइंड शुदा तस्वीरें भेजना। तो वो कह रहा है कि 4 मैंने अपनी दस्तखत शुदा तस्वीर खैराती बाजार को भेजी थी। ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो, तो फिश्ता कहता है कि उसे मेरा ये किया जाना याद है। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए कि यहाँ तंज व मजाक कहाँ छुपा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यू रिमेंबर माई परफॉर्मेंस ऑफ टालबुड चैम्पनीज इन आर बॉयज। आर बॉयज एक ड्रामा हुआ करता था जी, स्टेज पर प्ले होता था, ये भी एक चैरिटी ड्रामा था। उसमें एक करेक्टर था टालबुड चैम्पनीज, जो कि राइटर कहता है मैंने परफॉर्म किया था ये करेक्टर टालबुड चैम्पनीज। और यकीनन तुम्हें मेरी आवर बॉयज, आर बॉयज को हम आर बॉयज ही लिख पाएंगे, क्योंकि ये भी गौर करो उस ड्रामे का नाम है, हमारे लड़के नहीं लिखते ना आपने। तो आर बॉयज में तुम्हें हमारी मेरी टालबुड चैम्पनीज की अदाकारी यकीनन याद होगी। द वीक बिफोर द लास्ट, पिछले हफ्ते इन द एड ऑफ द फंड फॉर द पुअर क्यूरेट्स, क्यूरेट्स प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, तो गरीब या नादार पादरियों के फंड की इमदाद में पिछले हफ्ते या गुज़श्ता से पेवस्ता हफ्ते
तुम्हें टालबुट चैम आवर बॉयज में टालबुट चैंपियंस की मेरी अदाकारी यकीन याद होगी। आई वेंट और मैंने बात जारी रखी। आई डो नॉट नो वेदर यू सॉ द नोटिस इन द मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट भी अखबार है जी, मुझे नहीं मालूम आपने मॉर्निंग पोस्ट में इश्तहार देखा था कि नहीं देखा, बट लेकिन आगे जो लॉन्ग डैश है ये हमें नज़र आ रही है कि बात की कंटिन्यूटी को शो कर रही है कि बात जारी थी लेकिन रुक गई। ही अगेन इंटरप्टेड मी टू रिमार्क, उसने फिर मेरी बात काटी टू रिमार्क ये कहने के लिए दैट वट द मॉर्निंग पोस्टमैन सेड वुड बी एंटर्ड वन वे और द अदर टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट एड हैड नथिंग टू डू विद मी। कि उसने मेरी ये बात रिमार्क ये बात कहकर बात काटी, रिमार्क मीन्स कमेंट, कि जो कुछ मॉर्निंग पोस्ट के मैन ने मतलब वो जो अखबार में जिसने वो मॉर्निंग पोस्ट में खबर डाली थी जो कुछ उसने कहा वुड बी एंटर्ड वन वे और द अदर, वो एक ना एक किस ना किस तरीके से लिख दिया जाएगा टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट उस मॉर्निंग पोस्ट के क्रिटिक के खाते में एंड हैड नथिंग टू डू विद मी और मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट आई अग्रीड, यकीन नहीं है मैंने इतफाक किया। एंड बिटवीन आर सेल्फ और आपस की बात है आई डोंट थिंक द चैरिटी गॉट वेरी मच, मुझे नहीं लगता कि चैरिटी मतलब खैरात कोई ज्यादा इकट्ठी हुई थी। गौर करें क्या उसने देख रहा है कि उसकी नेकी वहां तरफ उस तरफ नहीं जा रही, अकाउंटिंग में नहीं आ रही, तो उसने उस चैरिटी पर ही तनकीद करना शुरू कर दी है। एक्सपेंसिस वेन यू कम टू एड रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट वो जो खाने पीने को दिया जाता है, एंड वन थिंग एंड अदर के अखराजात, जब आप खाने पीने के अखराजात और दूसरी चीज़ों को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, माउंट अप इंक्रीज तो बढ़ जाते हैं। जब खाने पीने का खर्चा और फिर ये खर्चा और वो खर्चा मतलब दूसरे अखराजात चीज़ों को शामिल करते हैं तो अखराजात कहीं के कहीं चले जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। बट आई फैंसी फैंसी इमेजिन थिंक दे रादर लाइक माई टालबुट चैंपियंस, कि उन्हें मेरी टालबुट चैंपियंस की अदाकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मुड़कर फिर वहीं उसी बात पर कि जी मेरी अदाकारी ही अच्छी थी और वही नेकी सबसे अच्छी थी, बाकियों की नेकियाँ किसी तरह की नेकियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बीन प्रेजेंट एट द परफॉर्मेंस, उसने जवाब दिया कि वो उस परफॉर्मेंस उस फनी मुजाहरे के मौका पर मौजूद था। एंड हैड मेड हिज ओन रिपोर्ट, और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। आई आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द फोर बालकनी सीट्स, उसकी अगली नेकी जी मैंने उसे अपनी चार बालकनी की नशिस्तों का, किसी भी थिएटर में जो बालकनी के ऊपर की नशिस्तें होती हैं वह महंगी होती हैं तो इसलिए वो बात कर रहे थे, मैंने उसे अपनी चार बालकनी की नशिस्तों का याद दिलाया। आई हैड टेकन फॉर द मॉन्स्टर शो, जो कि मैंने जिन मेला के मौका पर खरीदी थी, मॉन्स्टर शो का मॉन्स्टर शो भी लिख सकते हैं, एट हिज मजेस्टीज, हिज मजेस्टी का देखो एस और एम कैपिटल है, आप इसको इज्जत माँ मजेस्टी के हाँ, लेकिन अगर आप इसको हिज मजेस्टी ही उर्दू में भी लिख देंगे, हिज को हिज और मजेस्टी को मजेस्टी, तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये एक थिएटर का नाम है इंग्लैंड में। इन द एड ऑफ द फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहानसबर्ग, डेस्टिट्यूट ब्रिटिश मतलब जो नादार या गरीब को कहते हैं, डेस्टिट्यूट पुअर नीडी, और जोहानसबर्ग आपको पता है साउथ अफ्रीका का एक शहर है। तो मैंने उसे अपनी बालकनी की चार नशिस्तों का याद दिलाया जो कि मैंने जिन मेला या मॉन्स्टर शो के मौका पर हिज मजेस्टी में मुनक्दा जो जिन मेला था उसके लिए ली थी, जो कि जोहानसबर्ग में मुकीम नादार या गरीब बरतानवियों के फंड की अमदाद में मुनक्द किया गया था। नॉट ऑल द सेलेब्रेटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अनाउंस ऑन द पोस्टर्स हैड अपीयर्ड, तो वो कहता है कि वो सारे सेलेब्रेटेड वही फेमस अदाकार और अदाकाराएं जिनका पोस्टर्स में तذکرہ था आए, वो नहीं आए थे, बट हैड सेंट ऑल हैड सेंट लेटर्स फुल ऑफ काइंडली विशेस, लेकिन सब ने अपनी काइंडली विशेस अपनी नेक तमन्नाओं के खतूत भेज दिए थे। तो यहाँ भी हमें एक तंज नज़र आता है कि जितने भी सेलेब्रिटी मीन्स मशहूर अदाकार अदाकाराए थे जिनका पोस्टर पर जिक्र था कि ये लोग आएंगे, वो कोई भी नहीं आया था, और सब ने क्या भेजे थे जी, अपनी काइंडली विशेस नेक तमन्नाओं के खतूत भेजे थे। एंड द अदर्स, और वो सारे लोग, अब यहाँ जरा एक तंज देखिएगा, ऑल द सेलेब्रिटीज वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, वो सारे मशहूर लोग वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, तो देखिएगा वो मशहूर लोग जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, हैड टर्न्ड अप टू अ मैन सारे के सारे, टू अ मीन्स मीन्स विदाउट लीविंग एनीवन, के सारे वो आ गए थे मशहूर अदाकार अदाकाराएं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। स्टिल ऑन द होल, फिर भी मजमू तौर पर द शो वॉज वेल वर्थ द मनी, जो शो था वेल वर्थ
द मनी वर्थ वैल्यू खर्चे के लायक था, मतलब पैसे पूरे हो गए थे जी, मजा वो कहता पूरा आ गया था। फिर बंदा पूछे नेकी क्यों मांग रहा है अगर तुमने मजे ही लेने के लिए शो अटेंड किया था। देर वॉज नथिंग टू ग्रम्बल एट, ग्रम्बल कंप्लेन शिकायत करने की, कंप्लेन करने की, मुंह बनाने की, बड़बड़ाने की कोई बात ना थी। देर आर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइंड आई हैड नॉट रिमेम्बर्ड देम एट द टाइम इन देयर एंटायरिटी। वो कहते हैं मेरी और भी बहुत सारी नेकियां थी, आई कुड नॉट रिमेम्बर देम एट द टाइम इन देयर एंटायरिटी कंप्लीटनेस, और वो मुझे मुकम्मल तौर पर उस वक्त याद नहीं आ रही थी, मैं याद नहीं कर सकता था। आई सीम टू हैव डन अ गुड मैनी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे नेक काम किए थे, वैसे लगता था ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आई डिड रिमेम्बर द रमेज सेल, रमेज हमने पढ़ा था वो जो चंदे में ली गई पुरानी अशिया की जो सेल होती है, वो होता क्या है जी कि लोग अपनी पुरानी अशिया जो है वो डोनेट कर देते हैं इस सेल को, और ये सेल वाले जो है वो उस चीज़ उसको बेचते हैं, ढेर लगा देते हैं, लोग आके उसमें से छांटी करते खरीदते हैं और वो चैरिटी के लिए वो यूज़ हो जाती है वो रकम। तो मुझे वो रमेज सेल याद थी, टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ, जिसमें मैंने अपने पुराने कपड़े भेजे थे। तो रमेज सेल को आप ये कह सकते हैं चंदे में ली गई पुरानी अशिया की फरोख्त, रमेज सेल चंदे में ली गई पुरानी अशिया की फरोख्त याद थी, जिसमें मैंने अपने सारे पुराने कपड़े भेजे थे। गौर करें पुराने कपड़े मतलब जो उसके काम के नहीं होंगे, अब तन जरा वेट कर रहा है आपका, इंक्लूडिंग अ कोट जिसमें कोट भी शामिल था, दैट आई हैड गॉट मिक्स्ड अप विद देम बाय एक्सीडेंट, जो इतफाकन हादसतन इतफाकन उसमें शामिल हो गया था, एंड दैट आई बिलीव आई कुड हैव वॉर्न अगेन, और जिसके बारे में मुझे यकीन था कि मैं मजीद पहन सकता था। तो गौर करें कि पुराने कपड़े भेजे थे और एक कोट भी शामिल हो गया था, और वो गलती से शामिल हुआ था, वो कौन सा कोट था वो जो दोबारा पहना जा सकता था, इसका मतलब जो बाकी कपड़े थे वो ऐसे थे जो राइटर अब पहन ही नहीं सकता था, मतलब फेंकने थे, लो जी चंदे में दे दो। एंड ऑल्सो द रेफर लॉटरी होती है जी, आई हैड ज्वाइंट फॉर अ मोटर कार, और मुझे वो रेफर वो लॉटरी की टिकट भी याद थी जिसमें मैं मोटर कार के लिए शामिल हुआ था। तो रेफर लॉटरी मतलब लॉटरी जो होती है अक्सर वो इस तरह की भी होती हैं कि वो चैरिटी के लिए एक लॉटरी बनाई जाती है, लोग टिकट खरीद लेते हैं, मतलब 1000 का टिकट है, लोग 1000 का टिकट खरीद लेते हैं, फ़र्ज़ करो कि जो है वो 10,000 लोग टिकट खरीदते हैं तो लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उसमें से वो जो लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं कोई उसका 30-40% जो है वो अनाम के तौर पर दे देते हैं, अनाम के तौर पर रखना का मकसद ही होता था कि ज़्यादा लोग खरीदें। तो वही उसी की बात कर रहे थे, मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी जिस रेफल खरीदी थी, खैराती कुरानदाजी होती है, जिसमें मैं मोटर कार के लिए शामिल हुआ था। तो गौर करें नेकी मकसद था, आपको पता ही इन्ना माल अमाल बिन नियात है कि अमाल का धर्म दर नहीं होता पा रहा है, तो अगर उसकी नीयत मोटर कार की थी तो वो नेकी तो नहीं बनती। तो यहाँ एक तरह से फिर तंज है कि अक्सर हमारी नेकियां हम नेकियों के लिए करते ही नहीं है। तो द एंजल सेड आई रियली नीड नॉट बी अलार्म्ड, अलार्म्ड वरीड, फरिश्ते ने मुझे कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत ना थी नहीं है। दैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड, कि हर चीज लिख ली गई थी, टुगेदर विद मींस इंक्लूडिंग अदर मैटर्स, और बहुत सारे मामलात के साथ, आई मे बी हैड फॉरगॉटन, जो कि शायद मैं भूल गया था। द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, ऐसा लगता था कि फरिश्ते से कोई स्लाइट, कोई लिटिल, कोई मामूली सी गलती या कोताही हो गई थी। हत्ता कि फरिश्ते ने यकीन भी दिलाया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हर चीज़ लिख ली गई थी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते से कोई छोटी सी गलती हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहम है आपको पता है, तो आपने ये याद करने जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए मैंने उससे थोड़े से ज़्यादा ही रखे हैं, ताकि कोई एडिशनल क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो भी कवर हो जाए। लो जी, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मोरल क्या है, इखलाकी नतीजा क्या है। द स्टोरी इज़ अ स्टायर ऑन द सो कॉल्ड नोबल डीड्स ऑफ ह्यूमन, मतलब इंसानों के जो सो कॉल्ड बराए नाम जो बस नाम की मोरल डीड्स हैं, नोबल डीड्स हैं, उस पर एक तंज, एक स्टायर है। Their noble deeds are based on hypocrisy. असल में जो noble deeds हैं उनमें hypocrisy, मुनाफ़कत छुपी हुई है, मुनाफ़कत पर मबनी है। Humans do noble deeds to show off. वो बस दिखावे के लिए नेक माल करते हैं। The story also shows that life after death is a reality. वो ये भी दिखाता है कि मौत के बाद की ज़िंदगी एक हकीकत है, कि अगर कोई सोचता है कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, तो ऐसा नहीं है, एक हकीकत है। We should be prepared for the world hereafter. हमें बाद की दुनिया, hereafter, बाद की दुनिया के लिए तैयार रहना चाहिए। We take nothing with us. बट नोबल डीड्स, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता जी मरने के बाद सवाए नेक कामों के। एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड द ऑथर हेयर द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ द विंग्स,
ऑथर वॉज गोइंग अप एंड अप, वो ऊपर से ऊपर जा रहा था, हम भी पढ़ रहे थे कि उसको थ्रॉबिंग साउंड कहाँ सुनाई देती, ही रीच्ड सो हाई इन हिज ड्रीम दैट ही कुडंट सी ओनली अ फेंट लाइट बरीड बीनीथ डार्कनेस, वो ऊपर चला जाता था, हम जब बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो सिर्फ दूर थोड़ी थोड़ी रोशनी, जैसे इस तारे में बहुत थोड़े थोड़े टिमटमाते नजर आते हैं तारीकी में कहीं डूबे हुए, एट दैट पॉइंट द राइटर हर्ड द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ द विंग्स बिहाइंड हिम, उसको वो फरिश्ते के जो परों के फड़फड़ाने की आवाज़ है वो सुनाई देती है, द ऑथर शेयर्ड हिज नोबल डीड्स विद द एंजल बिहाइंड हिम, उसके पीछे जो फरिश्ता है उससे वो अपने नेक कमाल शेयर भी करता है। What time of the year was it? Describe the author's dream. ये साल का कौन सा वक्त था या उसका कह रहे हैं ख्वाब बयान करें। It was about a fortnight after Christmas. ये क्रिसमस के तकरीबन 15 दिन बाद का बात है। The author had a vexing dream. उसको एक डरावना ख्वाब देखता है जी, vexing डरावना ही परेशान कुन भी आप कह सकते हैं, troublesome. He dreamt that he flew out of the window in his night shirt. तो अपनी शब ख्वाबी के लिबास में खिड़की से उड़ गया। He reached so high in the dream that he could see only a faint light buried beneath darkness. इतनी दूर जाता है कि बहुत मंदम सी रोशनी नजर आती है। तो एट दैट पॉइंट द राइटर हर्ड द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स बिहाइंड हिम, और इस पॉइंट पर उसको फरिश्ते को उस परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। क्वेश्चन 4 जी, व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, क्रिसमस के बारे में राइटर को पसंद क्या है। द ऑथर लाइक्स क्रिसमस बिकॉज एट द ईव ऑफ क्रिसमस एवरीवन बिकम्स जेनरस, उसको क्रिसमस इसलिए पसंद है कि क्रिसमस के मौके पर हर बंदा ही जेनरस सखी हो जाता है जी, फराख दिल, पीपल गिव आर्म्स, लोग जकात देते हैं, दे रिपीट नोबल डीड्स, वो नेक अमाल करते हैं। दिस एक्टिविटी स्टार्ट्स अ बिट बिफोर क्रिसमस एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जनवरी, ये क्रिसमस से कुछ अर्सा पहले शुरू होती है और जनवरी के एंड तक ये एक्टिविटी क्या होती है जी, फिर जारी रहती है, मतलब लोग कोई महीना डेढ़ ये नेकियां करते हैं। क्वेश्चन 5, राइट ऑन द गुड नीड्स ऑफ द ऑथर हैज एडमिटेड आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस, और राइटर के गुड डीड्स लिखें। द ऑथर सेज दैट नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय, the noble deeds motivated us to do himself do the same, ke noble deeds bhi wo kehta hai ki log hame motivate karte hain ki hum nekiyan aur kare. He has described some of those noble deeds. First he talks of a beautiful little girl giving bovril to a shivering wo ek kapkapate hue beghar shakhs ko bovril de rahi hai, to usko dekhkar wo bada khush hota hai. Then he talks of an old squire distributing plum pudding to the crowd of the thankful villagers, for isko ek squire कि वो जो पिक्चर देखता है उसकी वो बात करता है कि बड़ा उसको मजा आता है देख के, खुशी होती है, जो प्लम पुडिंग आलू बुखारे की चटनी बांट रहा है। आल्सो डिस्क्राइब्स हिज ओन नोबल डीड्स, और अपनी नेकियां भी बयान करता है जो उसको मजा देती है। व्हाई नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द ऑथर, उसको नेकियां मजा देती क्यों। द ऑथर सेज दैट नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय, द नोबल डीड्स मोटिवेट अदर्स टू डू द सेम, दीज मेक एवरीबॉडी गुड। सेकंडली द ऑथर फील्स कंफर्ट इन नोटिंग डाउन हिज ओन नोबल डीड्स, वो ये भी कहता है कि उनको नोट करना बड़ा मजे का बाइस होता है। This act would be so nice for one's children. ये आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब बच्चे आपकी नेकियां पढ़ेंगे तो उनको भी नेकी करने का मोटिवेशन मिलेगी। He loves to think about them. उसको उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है। Last, what are the noble deeds that the author himself has done? वो कौन सी noble deeds जो उसने खुद की? ये आर आने जी, एटी नहीं, ए आर ही। The author reminded the angel of his noble deeds. He reminded him of his 5 shilling donation to the Daily Telegraph 6 penny fund for the unemployed. अभी अपने translation में पढ़ा कि उसको अपने 6 penny फंड जो था, 6 penny फंड जो था डेली टेलीग्राफ का, उसमें 5 shilling जो उसने चंदा दिया था वो याद दिलाता है। टोटल आपको पता है कि उसके 10 shilling बन गए थे। ही हैज जो कि उसने दोबारा दिया था स्पेलिंग ठीक कराने को। ही हैज आल्सो गोन टू 4 charity डिनर्स, 4 वो खैराती खानों में जाता है। ही परफॉर्म द रोल ऑफ टालबुट चैंपियंस इन आर बॉयज, तो आर बॉयज जो ड्रामा है उसमें टालबुट चैंपियंस का रोल प्ले करता है। इन द एड ऑफ द फंड फॉर पुअर कैरेट्स, जो गरीब पादरियों के फंड की इमदाद में था उसमें, उस ड्रामे में जो उसने अदाकारी की थी, आवर बॉयज उस ड्रामे का नाम है, टालबुट चैंपियंस वो करेक्टर है। तो ही बॉट 4 balcony सीट्स ऑफ अ मॉन्स्टर शो एट हिज मेजेस्टी थिएटर जी, इन द एड ऑफ फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहानसबर्ग, डेस्टिट्यूट गरीब तो नादार जोहानसबर्ग में जो बरतानवी मुकीम थे उनके लिए हिज मेजेस्टी में जो मुनक्कदा जिन मेला था उसके लिए 4 balcony की नशस्तों का भी याद दिलाता है, मतलब अपनी नेकियों को शो ऑफ कर रहा है। ही सेंड हिज ओल्ड क्लॉथ टू अ रमेज सेल, वो खराती अशिया की जो फरोख्त होती है उसके लिए उसको अपने भेजे गए कपड़ों की याद दिलाता है जी। तो फॉलो अप करते हैं स्टूडेंट्स के, लर्न ट्रांसलेशन यूजिंग वीडियो एंड टेक्स्ट बुक, आपने टेक्स्ट बुक भी सामने रख लेनी है, कोई हेल्प बुक है तो वो भी रख सकते हैं क्योंकि आपको जो भी इजी लगता है, तो आप ट्रांसलेशन जरूर याद करें। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि एक बार आप खुद पढ़ें और ट्रांसलेट करके देखें। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मेरी बात जो पढ़ाते हुए नहीं समझ आई वीडियो में, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप थोड़ी सी वीडियो पीछे को करके वो बात मेरी बार बार दोबारा दोबारा सुन सकते हो। अगर मैं कहूँ तो ये तो क्लासरूम से भी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि क्लासरूम में आप टीचर को पढ़ाते हुए जो है वो रिमाइंड पे नहीं लगा सकते, हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट ये है कि आप थोड़ा सा पीछे कर लें वीडियो को, तो लर्न जरूर करें अच्छी तरह। जब तक लर्न नहीं करेंगे तो ये लेसन ट्रांसलेशन के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देन राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ उर्दू फॉर प्रैक्टिस. अक्सर उर्दू के बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हैं, जैसे भारी, भर कम दिखाई देने वाला, जखीम का वर्ड, हिजे का वर्ड इस लेसन में आया है, कातिब फरिश्ता. तो मुश्किल वर्ड्स को लाजम लिख कर देखा करें उर्दू को, क्योंकि अक्सर हम देखा है बच्चों की इंग्लिश की इमला होती है, स्पेलिंग्स होते हैं, उर्दू की इमला का भी मसला है कि वो अक्सर गलतियाँ करते हैं अपने लिखते हुए जब वो पेपर में लिख रहे होते हैं. लर्न शॉर्ट क्वेश्चन बाय हार्ट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को तो आप रगड़ें जी, समझें भी जैसे मैंने समझाया, लेकिन अच्छे तरीके से उनको याद भी लाजम करें. तो प्रैक्टिस सिनोनिम एक्सरसाइज जी, सिनोनिम एक्सरसाइज आपकी हेल्प बुक्स में भी होंगी, आपने उनको लाजमी प्रैक्टिस करना है, उनके सोल्यूशन भी दिए होते हैं. सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग है मैंने एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है वो दिए हुए हैं. तो आई डू होप दैट यू वुड प्रैक्टिस एवरीथिंग, दैट ट्रांसलेशन, दैट क्वेश्चन आंसर्स. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क योर टीचर्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म. आई एम ऑल्सो ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल टू सर्व. So may Allah bless you, keep yourself safe and sound. Allah Hafiz. Thank you.